कोयले की कमी होने के कारण दिल्ली, पंजाब एवं अन्य राज्यों में ब्लैकआउट होने का खतरा बना हुआ है। जी हां, ब्लैकआउट यानी बिजली का खत्म हो जाना। और यदि ऐसा सचमुच हो गया तो दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन यह मामला बहुत ही गंभीर है, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस मामले पर दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से बिजली की आपूर्ति नहीं की गई तो दिल्ली में ब्लैकआउट हो सकता है। जानिए दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के बारे में, जहां पर दिल्ली जैसे या दिल्ली से भी बदतर हालात हो सकते हैं। पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। देश की राजधानी को एनटीपी और एनटीपीसी दादरी से सबसे ज्यादा बिजली मिलती है। एनटीपी से 756 मेगावाट और एनटीपीसी से 728 मेगावाट बिजली मिलती है। जानिए और भी कई पावर स्टेशंस के बारे में, जहां से पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। झज्जर थर्मल पावर प्लांट, सासन, एनटीपीसी रिहंद, एनटीपीसी सिंगरौली, कहलगांव, एसजेवीएनएल नाथपा झाकरी, एनटीपीसी ऊंचाहार। इतने वर्षों से लगातार चल रहे बिजली के उत्पादन पर अब अचानक से रुकावटें आना कोई छोटी बात नहीं। बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा, देश भर में ऐसे हालातों का कारण कोयले की कमी होना है, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन में काफी हद तक कमी आई है। आने वाले दिनों में दिल्ली में बारी बारी बिजली कटौती हो सकती है। वह आगे कहते हैं कि दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पास लागू नियमों के अनुसार 20 दिनों के मुकाबले सिर्फ एक या दो दिन के लिए उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने का कोयला भंडार है। आश्चर्य की बात है कि जिन पावर प्लांट से दिल्ली को बिजली सप्लाई हो रही है, वहां कोयला का भंडार 30 दिन से घटकर एक दिन का होकर रह गया है। कोयले के लिए अचानक इतनी महामारी का एक कारण इस साल हुई भारी बारिश भी है। जी हां, मॉनसून के साथ साथ सितंबर के महीने में हुई बारिश के कारण भी कोयले के खानों में इसके उत्पादन पर काफी फर्क पड़ा है, जिस कारण पूरा देश बिजली कटौती की समस्या के सामने खड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उचित मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया। फिलहाल हमारा देश एक बहुत ही दुविधा स्थिति तक पहुँच चुका है, लेकिन वक्त रहते अगर केंद्र द्वारा कोयला उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारा देश ब्लैकआउट होने से बच भी सकता है। डेली अपडेट्स के लिए बने रहिए द वोकल न्यूज़ हिंदी के साथ।